नमस्कार दोस्तों, लल्लू जी की रसोई में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की जो रेसिपी है वो है प्याज के पकोड़े। तो प्याज के पकोड़े तो सभी को ही आता है, पर प्याज के पकोड़े को क्रिस्पी कैसे किया जाता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर बेसन। तो बेसन मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लिया है, और पकोड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चावल का आटा लिया है। चावल का आटा और बेसन को हम यहाँ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय हमें ध्यान रहे कि ये यहाँ पर मेल्ट ना हो, मतलब गुल्ठियाँ ना पड़े। तो यहाँ पर मिक्स हो चुका है बेटर। उसके बाद हम यहाँ पर प्याज कटी हुई डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर प्याज लगभग 10 प्याज लिया है, उसे बारीक कट कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्च लिया है, और उसके बाद हरी धनिया लिया है 2 पेड़, और उसके बाद मैंने जीरा 1 चम्मच, अजवाइन लिया है 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालिए, और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छे हम इसको मिक्स कर लेंगे उतना अच्छा बैटर आपका तैयार होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो देखिए, इस तरह बैटर आपका तैयार होना चाहिए। तो मैंने एक तरफ गैस पर कढ़ाई रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम यहाँ पर छोटे छोटे बैटर के डालेंगे, और आराम से बैटर को डालते रहे। जितने आप कढ़ाई में जगह हो उतना ही आप बैटर डालिए। एक मिनट तक आप ऐसे रहने दिए, और एक मिनट के बाद आप कलछी से थोड़ा सा हिला दीजिए, ताकि बैटर एक दूसरे से चिपके नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैटर खिले खिले हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। देखिए, लगभग हमें यहाँ पर फ्राई करने में 5 मिनट लग जाएगा। तो देखिए, गोल्डन कलर के हो गए हैं यहाँ पर पकोड़े। अब ये रेडी हो गए हैं निकालने के लिए। तो मैंने लिया है कलछी, और कलछी की सहायता से हम यहाँ पर पकोड़े निकाल लेंगे। तो यहाँ पकोड़े इसी प्रकार हम सारे पकोड़े बना लेंगे। तो ये पकोड़े आप चटनी, हरी चटनी, लाल चटनी या सेजवान चटनी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।